हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन ईआर, योजना, इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण है, इनकी न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है इफको आई मंडी ऐप के बारे में। तो देख लेते हैं इफको आई मंडी ऐप क्या है। देखो, इफको आई मंडी ऐप है वो बनाया गया है इफको के द्वारा। इफको क्या है? इफको का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इसके द्वारा एक तरह की कंपनी है लिमिटेड, जिसके द्वारा इस एप्लीकेशन का निर्माण है वो किया गया है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, इसी के साथ हम इफको के बारे में भी जानेंगे कि इफको क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके काम वगैरह हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले इफको मंडी जो ऐप है, इस ऐप के बारे में दो तरह विचार। देखो, इस ऐप को बनाया तो इफको ने, बट जो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस आप बोल सकते हो या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सिंगापुर के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सिंगापुर है, उसकी वजह से वहाँ की एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसकी हेल्प से इसको बेसिकली बनाया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि हमारे देश के आगे आने वाले 2 सालों में लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स हैं, उनको एक जगह कनेक्ट करना इस मंडी से, ताकि जो एक जगह पे उनको प्रोडक्ट वगैरह वो मिल सकें। मतलब आई मंडी का मतलब आप समझ गए कि ऑनलाइन मंडी रखी जाएगी, ताकि यहाँ पे सारे काम हो ऑनलाइन किए जा सकें बेसिकली। तो किसानों को यहाँ पे चीज़ें बेचनी हो या खरीदनी हो या फिर किसी और भी तरीके के किसानों से रिलेटेड जैसे काम मुझसे उनको कोई फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करना हो, वो सारी बेसिक फैसिलिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आई मंडी ऐप है क्या, किसके द्वारा बनाया गया है, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वन स्टॉप शॉप हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि एक स्टॉप होगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिस तरीके से सुपरमार्केट से चीज़ें होती हैं उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लैग है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लोन वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह है, उसके भी सारे प्रावधान है वो किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। अब बात करते हैं हम इफको की। इफको का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो यह एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक बेसिक एग्जांपल, काफ़ी अच्छा एग्जांपल से बोल सकते हो और काफ़ी सक्सेसफुल एग्जांपल भी है, जिसका बेसिकली काम क्या है, किसानों के लिए बेसिकली काम करती है फार्मर्स के लिए, ताकि उनको फर्टिलाइजर हो वो चीज़ें प्रोवाइड करना, बेसिक जो भी उनको बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं उनके लिए बेसिकली इसके द्वारा काम है वो किया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। तो हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि इफको है क्या, क्या वगैरह इसके फीचर्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से यही न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किए। तो अभी जो इनका एप्लीकेशन है उसको लेके न्यूज़ आई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WCO के बारे में। कंटेक्स्ट क्या, पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया को अभी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एशिया पैसिफिक जो रीजन है ना, इसका हेड बनाया गया या फिर इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को 2 साल के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, बस कंटेक्स्ट अभी रिसेंटली है। अब बात कैसा है, पहले ये देखते हैं कि WCO है क्या, कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन काम क्या है, क्या इसका फीचर्स हैं वो देखते हैं। देखो, कंटेक्स्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब आगे इसकी तरफ देखते हैं। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली आप एक तरीके से कहते हो कि जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कस्टम के जो काम होते हैं, ट्रेड वगैरह होते हैं, उनके लिए बेसिकली है काम है वो करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 1952 में इसको एस्टेब्लिश है वो किया गया था, ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग में इसका नाम था वो था कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में इसको CCC के नाम से स्टार्टिंग है वो की गई थी, मतलब 1952 में इसको बनाया गया था कस्टम कोऑपरेटिव काउंसिल के तौर पे। इसके बाद इसका नाम है धीरे धीरे वो चेंज कर दिया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है इसका, काम इसका बेसिकली यही है कि जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के अंदर जो कस्टम के काम होते हैं वो इसके द्वारा किए जाएँ, ताकि स्मूथली ट्रेड हो सके। इसके साथ ही जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको एफिशिएंसली उसकी बूस्ट करना और उसको ढंग से अच्छे तरीके से करना, ताकि और भी अच्छा रिजल्ट आ सके और कंट्रीज के बीच में ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अभी जो कस्टम ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, उसको 98% जो ट्रेड है वो इसी की हेल्प से वो होता है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसका मेन मोटो भी यही है कि जो भाई इफेक्टिवनेस है ना इसकी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको इम्प्रूव करना। क्योंकि देखो, आजकल क्या होता है कि कस्टम कई बार क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है कुछ कंट्रीज़ में। ऐसी बात नहीं कि सभी कंट्रीज़ की बात की जा रही है, कुछ कंट्रीज़ में कस्टम क्लियरेंसमेंट टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, इंटरनेशनल लॉ वगैरह बनाने हो इस मामले में कस्टम के लिए, तो वहाँ इसके द्वारा हेल्प है वो की जाती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये एक तरीके की एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। अब बात ये करते हैं कि भाई इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा, इंडिया इसका मेंबर बनना है, जो वाइस चेयर है वो बना है।
थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखो इसको एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है ऑल ओवर वर्ल्ड को छह भागों में डिवाइड कर रखा है, मतलब आप बोल सकते हो कि छह सेक्शन में या छह रीजन में डिवाइड कर रखा है। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन वाला है ना, एशिया पैसिफिक वाले रीजन का जो हेड है, वाइस चेयर है, वो इंडिया को अपॉइंट है, वो किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, टोटल छह भागों में बांटा जाता है पूरे वर्ल्ड को, और उसके अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक वाला जो रीजन है उसका हेड है वो अभी इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट है, वो किया गया है 2 साल के लिए। इससे इंडिया को एक तो लीडरशिप रोल है वो मिलेगा, इसके साथ ही क्या होगा, इंडिया की जो थोड़ी वैल्यू है वो बढ़ेगी, और इंडिया को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी यहाँ से मिलने वाला है। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर ली है। आगे थी इफको मंडी के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट है आईएनएस तारागिनी, इसके बारे में देख लेते हैं। आईएनएस तारागिनी के बारे में देखते हैं, यह एक तरीके की नेवल शिप है, पहले चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसको ये ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम है वो है ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब एक तरीके से जो भी नेवी के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर जाती है, वो इस शिप के ऊपर है वो प्रोवाइड कर जाती है, कोचिंग बेस्ड ये शिप है। और इसको एक्चुअली बताऊँ अभी न्यूज़ में क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि लोकायन 2018 की जो यात्रा है वो इसके द्वारा भी की जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या है लोकायन 2018 की यात्रा, वो देखते हैं। लोकायन 18 की यात्रा ये है कि भाई ये शिप है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के चक्कर लगा के आएगा, लगभग 20,000 नॉटिकल माइल की यात्रा है वो करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, और फिर इंडिया आएगा। और इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट रेस भी होने वाली है इससे, उस रेस का नाम भी हमें ध्यान रखनी है, जिसका नाम है टॉल शिप रेस। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टॉल शिप रेस है 2018, ये एक्चुअली जो सुंदरलैंड पोर्ट है, अभी सुंदरलैंड पोर्ट है कहाँ पे, ये है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। क्योंकि नाम को देख के ऐसा थोड़ा पता नहीं चल रहा है कि भाई यूके का ऐसा नाम है, तो उसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, तो ये ध्यान रखनी है कि जो ये सुंदरलैंड पोर्ट पे एक रेस होने वाली है यूके में, जिसका नाम होगा टॉल शिप रेस, और इस शिप में, इस रेस के अंदर ये INS तारागिनी है ये एक्चुअली पार्टिसिपेट है, वो करने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान रखनी है कि पहली बार नहीं है, नॉट फर्स्ट टाइम, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये से जो आप बोल सकते हो कि रेस के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, इससे पहले भी 2007 में 2011 में इसमें पार्टिसिपेट है वो किया है। तो समझ गए हो आप कि INS तारागिनी है वो एक ट्रेनिंग शिप है, जो कि नेवी के जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह इस पे प्रोवाइड है वो की जाती है। और अभी है रिसेंटली लोकायन 2018 की यात्रा पे जा रहा है, और इस दौरान इसको एक्चुअली एक रेस है वो भी मतलब एक रेस है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, जो कि सुंदरलैंड पोर्ट है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पे इसमें आयोजित है वो की जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो कंटेक्स्ट है वो है जूट टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में, JTM। देखो 2006 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जूट टेक्नोलॉजी मिशन वो लेके आ गया था, क्योंकि जूट है उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट होते हैं। एक तो देखो बायोडिग्रेडेबल होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है, तो अगर इसका यूज़ किया जाता है तो फार्मर्स को रोज़गार तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ ही हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होता है, और इसके काफ़ी और भी बेनिफिट हो जाते हैं। तो जूट टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में UPSC पूछ सकती है। 2006 में मिशन आया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके अंदर के 4 मिनी मिशन भी थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी दौरान एक आई केयर प्रोग्राम भी आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आई केयर जो प्रोग्राम है वो भी जूट के लिए ही आया था, मतलब जूट इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी हालत को ठीक करने के लिए। देखो बात क्या है कि आज के टाइम पे प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था अभी काफ़ी टाइम से, तो प्लास्टिक के यूज़ की वजह से लोगों ने क्या किया था कि जूट के जो प्रोडक्ट थे इनका यूज़ करना कम कर दिया था। तो गवर्नमेंट इनके जूट के जो प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए ताकि जूट है वो एक तो थोड़ा वेट में भी हल्का हो, उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी की जा सके, काफ़ी सारी इसकी और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसमें इंप्रूवमेंट है वो किया जा सके, और इसीलिए आई केयर प्रोग्राम है वो चलाया गया था। तो अभी जो जूट टेक्नोलॉजी जो मिशन है ना, इसके अंदर 4 जो मिनी मिशन है कौन कौन से हैं। पहला तो इसका मिशन ये हो गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना जूट इंडस्ट्री में। दूसरा ये हो गया कि टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ बढ़ाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ेगा तो आपको पता है काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ तीसरा ये था कि भाई मार्केट के साथ जो लिंकेज है ना जूट इंडस्ट्री के, उनको इम्प्रूव करना। क्योंकि देखो जब तक कोई भी फैक्ट्री या कंपनी होती है उसके मार्केट लिंकेज अच्छे नहीं होंगे, मार्केट के साथ लिंक अच्छे नहीं होंगे, तब तक वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए मार्केट लिंकेज को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा ये था कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है जूट की उसको इम्प्रूव करना, ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, और इसके साथ टेक्नोलॉजी है उसको भी बूस्ट करना, ताकि और भी अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर में मिल सके। तो ये इसके जूट टेक्नोलॉजी मिशन के बेसिक एम है वो हमने यहाँ पे देख ली है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये UPSC पूछ सकती है। जैसे कोई ऑप्शन दे देगी आपको, हरियाणा हुआ,
साउथ का ऑप्शन दे दिया, कहीं का भी ऑप्शन दे सकती है। तो आपको ध्यान रखना है जूट का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो होता है वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल है वो बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट जूट जो कल्टीवेटर है वो कहलाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वो आई है बांध सागर केनाल प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी बांध सागर डैम है वो बनाया गया था और उसका जो केनाल प्रोजेक्ट है उसको भी स्टार्ट है वो किया गया था, इसका इनोग्रेशन है वो किया गया था प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। तो ये कंटेक्स्ट है। तो पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि है कहाँ पे, क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं। देखो जो बांध सागर केनाल प्रोजेक्ट है ये बांध सागर डैम पे बनाया गया है और 171 किलोमीटर लंबी ये केनाल प्रोजेक्ट है। इसके फायदा कहाँ होगा वो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। तो बांध सागर केनाल प्रोजेक्ट का फायदा होने वाला है वो होने वाला है मिर्जापुर यूपी वाले एरिया में बेसिकली, और इसके साथ और स्टेट को भी फायदा होने वाला है क्योंकि ये तीन स्टेट का जॉइंट प्रोग्राम है, एक तो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, इन तीन स्टेट का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम आप बोल सकते हो। इसमें डैम बनाया गया है पहले बांध सागर डैम, और उस डैम से फिर छोटी छोटी कैनालें निकाली गई हैं जगह जगह पे ताकि वहाँ पे इरीगेशन वगैरह की या पानी की पीने की फैसिलिटी है वो मुहैया वो करवाई जा सके। कौन सी रिवर पे बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाया गया सोन रिवर पे। तो अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि बांध सागर केनाल प्रोजेक्ट से फायदा किस किस को होगा, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे सोन रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है, इरीगेशन फैसिलिटी होगी, पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा और इंडस्ट्रीज वगैरह को भी पानी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अभी हम यहाँ पे सोन रिवर के बारे में थोड़े से फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सोन रिवर की लोकेशन ही देख लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी अहम हो जाती है हमारे लिए। देखो ये है गंगा रिवर, पूरी आप देख सकते हो यहाँ पे गंगा रिवर है और ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है और गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। तो इससे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है यहाँ पे सोन रिवर आपको दिख रही है, ये यहाँ पे सोन रिवर रही, ये रही। तो अब पहली बात ये कि और इसका ओरिजिन कहाँ पे, देखो इसका सोन रिवर का जो ओरिजिन ना वो बेसिकली ये तो हो गया छत्तीसगढ़ वाला एरिया और ये हो गया है एमपी वाला एरिया। तो छत्तीसगढ़ और एमपी के जो एरिया और ये बॉर्डर वाला एरिया ना, इस वाले एरिया को बोलते हैं मेकाले की पहाड़ियाँ, सॉरी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और इस अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन है वो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ये सोन रिवर वो निकलती है, फिर ये जाती हुई धीरे धीरे किस में जाके मिलती है, ये मिलती है गंगा रिवर में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक तरीके से हम कहें तो जो गंगा रिवर है उसकी राइट साइड की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। राइट साइड कौन सी होगी गंगा रिवर की, ये होगी इस साइड वाली, और इस साइड की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तो हो जाएगी इसकी ऑब्वियसली यमुना। तो यमुना के बाद इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी राइट साइड वाली। ये ध्यान रखना कि राइट साइड की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है सोन रिवर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अमरकंटक है यहाँ से एक रिवर और निकलती है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली लिमिटेड ही नदी है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सोन रिवर है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया है। इसके अलावा और तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था नहीं, जो मैंने आपको बता दिया कि अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। नर्मदा रिवर का एक्चुअली ओरिजिन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, और इसका फ्लो हम देख लिया कैसे कैसे इस फ्लो है बेसिकली करती है। अब देखते हैं आगे, आगे एक छोटी सी न्यूज आई है वो यहाँ पे ये गोल्डन जेकाल को लेके। तो गोल्डन जेकाल मतलब लोमड़, तो ये गोल्डन कलर का ये लोमड़ है, इसको लेके न्यूज आई है। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि ये मेनली जो मैग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना उन वाले एरिया में जो केकड़े वगैरह होते हैं ना, छोटी मछली वगैरह होती हैं उनको खा के जिंदा है वो बेसिकली रहते हैं। तो अभी ये है कंटेक्स्ट कि भाई इनका जो हैबिटेट है ना वो लगातार खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है ह्यूमन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है तो ये यहाँ से मैग्रोव फॉरेस्ट से निकल के बाहर जा रहे हैं, तो जहाँ पे इंसान रह रहे हैं उस वाले एरिया में इनके कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने को सामने आ रहे हैं। तो इसको लेके भी न्यूज़ आई है, तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यूपीएससी में पूछ सकती है कि कहाँ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। तो देखो एक तो मैंग्रोव जो कवरेज वाला एरिया है वहाँ पे बेसिकली है पाए जाते हैं। इश्यू भी क्या पता है कि यहाँ पे इनका आवास का बहुत बड़ा इश्यू है कि जो उनका नेचुरल आवास है वो खत्म होता जा रहा है। और बात करें IUCN की लिस्ट की, तो IUCN की लिस्ट के अंदर ये एक्चुअली लिस्ट कंकर्न लिस्ट में शामिल है, मतलब प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं साउथ यूरोप, साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये इसके बारे में जो न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे देखी है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो आई है संगीता कला निधि अवार्ड के बारे में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि संगीता कला निधि अवार्ड है वो क्या है। कंटेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो अरुण श्रीराम है उनको एक्चुअली कार्नेटिक म्यूजिक के लिए
म्यूजिक अकेडमी जो चेन्नई है उसने ये अवार्ड देने की बात है वो कही है, और हर साल ये अवार्ड है वो बेसिकली दिया जाता है। ये आपको यहाँ पर एक छोटी सी ये ध्यान रखनी है, केवल और केवल यह कार्नेटिक म्यूजिक के लिए ही दिया जाता है, मतलब कार्नेटिक म्यूजिक के लोगों को ही है, जो कार्नेटिक म्यूजिक के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको ही यह अवार्ड है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, संगीत क्लांति अवार्ड यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है, यूपीएससी की बार इसके बारे में पूछ लेती है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने यहाँ पे देखा कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि भाई इंडिया है वो इसका एक्चुअली एशिया पैसिफिक रीजन वाले का वाइस चेयर है, वो बन गया है 2 साल के लिए, इंडिया को इससे लीडरशिप रोल मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट वो हमने देखे। इसके साथ ही हमने देखा इफ्को आई मंडी जो एप्लीकेशन है वो इफ्को के द्वारा बनाया गया है और सिंगापुर की टेक्नोलॉजी फर्म है उसकी हेल्प से। इसमें एक मेन मोटो इसका यह है कि भाई किसान जो फार्मर्स हैं उनको कनेक्ट करना, वन स्टॉप सॉल्यूशन देना उनको, एग्रीकल्चर इनपुट सारे सामान वगैरह लोन वगैरह देना, इंश्योरेंस वगैरह मुहैया करवाना। इसके साथ ही बात करें INS तारंगिनी जो कि एक इंडिया की नेवल शिप आप बोल सकते हो कि स्क्वाड्रन है जिसपे बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह वो प्रोवाइड करा जाती है। तो अभी ये लोकायन 2018 पे यात्रा पे जा रही है, तो ये लोकायन 2018 UPSC पूछ सकती है। इसके बाद में हमने देखा था कि जूट टेक्नोलॉजी मिशन है वो 2006 में लाया गया था जूट इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ ही हमने देखा कि बाणासागर केनाल प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस किया कि बाणासागर केनाल प्रोजेक्ट है, इसका मेनली फोकस यहाँ पे यूपी के मिर्जापुर वाले एरिया में है, और इसके अलावा 3 स्टेट का ज्वाइंट प्रोग्राम है MP UP और बिहार के। तो हमने देखा कि सोन ड्यूर पे बनाया गया है। इसके साथ ही हमने देखा संगीता कार निधि अवार्ड है वो अरुण साईराम को दिया जा रहा है, कार्नेटिक म्यूजिक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम है वो किया है। इसके साथ हमने गोल्डन जैकाल के बारे में डिस्कस किया जिसके डिस्ट्रीब्यूशन में देखी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और अभी न्यूज़ में क्यों है मैंग्रोव फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।